नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी और आज हम फिर से एक नई जगह आए हैं कॉफी पीने के लिए और कुछ मंच करने के लिए, बिकॉज आज हमारा लास्ट दिन है। आज के बाद कुक आ जाएगी मुंबई वाले एड्रेस पे, मगर हम आई थिंक ट्रैवल करेंगे वापस अहमदाबाद बिकॉज आवर वर्क इन मुंबई इज ओवर। सो दैट्स वीना अगेन इन अ न्यू अटायर फेसिंग द सी। बट यहाँ पर आने से पहले, कॉफी पीने से पहले, I had to go to Kokila Ben Ambani Hospital because मुझे वहाँ पर कोई डॉक्टर को मिलना था and I had to do that for my family member। तो वहाँ पर जाने से पहले हम जब गाड़ी से उतरते हैं, I'm just going to be sharing what exactly happened with me because it is a video recording that I have of the people जो वहाँ की security है। First of all, आपने entrance सीमित कर दी है, अच्छी बात है, because corona virus है, आपको entrance को monitor करना है, लोग ऐसे ही नहीं घुस सकते। मगर जो entrance की line आपने बनाई है, वहाँ पर कोई 6 feet की दूरी नहीं है कोकिला बेन अम्बानी के entrance वाली line में। सब एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के एंटर कर रहे हैं, जैसे कोई मूवी थिएटर हॉल की लाइन है जहाँ पर एक दूसरे को स्मेल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप पहुँचते हैं उस पड़ाव पर, जिस पड़ाव पर आपको अपने बैग्स रखने होते हैं, तो वो लोग आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप अनटचेबल हो। दैट इज़ वो लोग, यानी सिक्योरिटी वाले। मेरे साथ थोड़ा रूडली बात किया, आई वॉज ओके, बट मम्मी ने वो एयर फिल्टर वाला मास्क पहना था, तो जिस प्रकार से उन्होंने मेरी माताश्री को बोला अरे साइड में खड़े हो, और मुझे बोला अंदर जाओ फार्मेसी से तुम मास्क लेके आओ, जो मास्क में एयर फिल्टर नहीं है, जिस प्रकार से संबोधित किया मुझे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने मास्क पहना था तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो सही है उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाऊँगी, क्योंकि मास्क पहनने के बाद बहुत डिफ़िकल्ट होता है कुछ भी बोलना। इट इज़ रियली रियली सफोकेटिंग वेयरिंग अ मास्क, जैसे मैंने आपको पहले बोला। तो मैंने उनको बोला आप शराफत से बात करिए, आप धीरे से बात करिए। और वो लोग हॉस्पिटल है, 5 रुपये का वो डिस्पोजेबल मास्क वो लोग एंट्रेंस पे रख सकते हैं उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने एयर फिल्टर वाला मास्क पहना हुआ है। दे रियली डोंट हैव टू बी सो रूड एंड बिहेव लाइक अनटचेबल्स। एंड उनका जो सिक्योरिटी गार्ड वाला है, एकदम कोई बॉलीवुड फिल्म सलमान खान की फिल्म का गुंडे की तरह बिहेव कर रहा था। वॉट वॉज रॉन्ग विद हिम? आई हैव द video recording of that security guard and that woman jo aise behave kar rahe the, and jab maine uska video record karna chaha, because that's the way one gets proof in today's time, uska jo piche monitor ke piche jo baitha tha banda aake bol raha hai aap record nahi kar sakte। kyun nahi kar sakte bhaiya, aapke hospital ke andar to kitne sare cameras hain, jab aapke hospital ke andar cameras hain to hum bhi to apne camera mein record kar sakte hain, hum to record hi kar rahe hain na ki kis prakar se ek choti si line mein 10 logo ko ikhatta करके आप चलने को बोल रहे हैं, कोरोना वायरस का ढोंग कर रहे हैं, यहाँ पे हाथ को कोई मशीन से लगाने को बोल रहे हैं और 1, 2, 3 सारे पेशेंट्स को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, तो वायरस तो ऐसे ही चला जाएगा। तो आपने खुद 6 फुट का डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया है, और आप अंबानी का हॉस्पिटल है तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। अंबानी का हॉस्पिटल है तो मतलब हम आपके डॉक्टर्स को फ्री में तो नहीं मिल रहे ना, 1500 रुपये आपका कंसल्टेशन फी है हर एक डॉक्टर का, तो हम तो फ्री में तो कोई डॉक्टर को मिल नहीं रहे। तो इस प्रकार से अपने पेशेंट्स को गलत तरीके से ट्रीट करना, ये कहाँ का अंबानी एटीट्यूड है, ये मैंने आज खुद अपनी आंखों से महसूस किया। वेरी वेरी पैथेटिक कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, सिटिंग एट अ प्रॉपर प्लेस, गोइंग टू बी ड्रिंकिंग माई कॉफी, बट क्लियरिंग वॉट हैपेंड एट कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल। मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, सब ठीक था। आप मेरे अंधभक्त नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, दे रियली बिहेव वेरी रूडली एंड दे हैड नो मैनर्स हाउ टू टॉक एंड हाउ दे शूड द हैंड अवे, यू नो, व्हेन दे देमसेल्फ्स टोल्ड मी टू टच वन मशीन एंड देन दे पुट द हैंड एल्सवेयर एंड देन टेलिंग अस स्टैंड ऑन द साइड टिल द मास्क केम, सो दे वर वेरी अनकूथ एंड वेरी बैड बिहेवियर। तो मैं खाली इतना ही कहना चाहती हूँ, 5 रुपए का मास्क था, अगर उनका कोई प्रोटोकॉल है हॉस्पिटल के अंदर, विच वी एग्री, हमको कोई हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स नहीं तोड़ने, तो आप 5 रुपए का डिस्पोजेबल मास्क एंट्रेंस पे रखिए। अगर आप उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, सो कॉल्ड कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल जो इतना बड़ा अपने आप को मानता है, तो वो
काउंटर बना दीजिए ना, 5 रुपए का मास्क हम एंट्रेंस पे खरीद देंगे। आप सामने वाले को बोल रहे हो जाओ फार्मेसी पे जाओ लेकर आओ, तब तक मेरी मदर को बोल रहे हैं साइड पे खड़े रहो। अरे ये क्या तरीका है बात करने का यार, सभ्यता से बात करो। खुद आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो, कोरोना वायरस में मास्क पहन के सारा दिन खड़े रहते हो, तो ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं वहाँ पर पैसे दे के डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेके मीटिंग कर रही हूँ, ना मैं गेट क्रैश कर रही हूँ, ना मैं यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी स्टेटस थ्रो कर रही हूँ, ना मैं एटीट्यूड थ्रो कर रही हूँ कि मुझे VIP से अंदर लो। मैं लाइन में खड़े होके अंदर जा रही हूँ, मगर जिस प्रकार से लाइन मेंटेन होती है, दैट इज डिसगस्टिंग, दैट इज पैथेटिक कोकिलाबेन अंबानी। तो अंबानी हो या अदानी हो, नोबडी इज अबव रूल्स एंड रेगुलेशंस। गुंडागर्दी करना बंद कीजिए। हॉस्पिटल है, कोई पब नहीं है जहाँ पे आपको बाउंसर्स रखने पड़े। दिस इज नॉट सम पब जहाँ पे लोग यू नो अल्कोहल पी के गेट क्रैश कर रहे हैं। नॉर्मल पीपल आर कमिंग टू शो रिपोर्ट्स टू डॉक्टर्स टू टेक ट्रीटमेंट। ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट इफ यू वॉन्ट योर नेम टू गो अप। कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल, योर सिक्योरिटी सक्स। और अभी कॉफी आ गई है, हॉट चॉकलेट आ गई है। क्या आ गई है? हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट, या हां मम्मा, आप डू थिंक हमारे साथ कोई साजिश हो रही है? नहीं नहीं नहीं, साजिश बैड लक, बैड लक, बैड लक। ये बैड लक क्यों हो रही है हमारे साथ? दैट आई डोंट नो। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं पड़ता। लाइक रियली इट्स आयरोनिकल कि आप इस प्रकार के गुंडे रख रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कोई आपका पब है जहाँ पे दारू पी के लोग आ रहे हैं, और इस प्रकार से आप लोगों को साइड में हकाल रहे हैं अगर उन्होंने एयर फिल्टर वाला मास्क पहना है, जैसे उन्होंने कोई क्राइम कमिट कर दिया। आपको अपना मास्क पहनवाना है लोगों को, तो आप वो काउंटर रख सकते हैं एंट्रेंस पे, सो दैट पीपल कैन बाय इट। 5 रुपए का है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ठीक है अंबानी जी, एंड दैट्स द व्यू फ्रॉम द होटल राइट नाउ। वाह 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 वाह, ये लोकेशन बेटर है। Much better, no? Than all the other 2 previous places. आप समझ सकते हैं, अगर मैं योगा नहीं करूं और मुझे इस प्रकार के लोग सब जगह मिलते जाएंगे तो मेरा क्या हाल होगा? मतलब मुझे योगा करना ही पड़ेगा। समाज में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड स्टूपिड लोग हैं, और इन स्टूपिड फ्रस्ट्रेटेड लोगों के साथ डील करने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे जस्ट वांट नथिंग, स्पॉइल योर मूड, क्रिएट रकस, ट्रीट पीपल लाइक शिट, बिकॉज आई थिंक दे आर ओनली डिजेक्टेड इन लाइफ एंड सो फ्रस्ट्रेटेड। मेरा कॉफ़ी आ गया है, कॉफ़ी पियो, योगा करो और सारे वर्ल्ड को हैंडल करो, है ना बीना? और खुश रहो। और खुश रहो। बट मम्मा ऐसे क्यों हो रहा है हमारे साथ? ऐसे दिस इज जस्ट कांट से एनीथिंग। कांट से एनीथिंग? नो। बट दैट गाय वाज नॉट गुंडा टाइप? या ही वाज अ रफियन। रफियन नो? ऐसा क्यों? वो टैक्सी वाला रफियन, ये रफियन, बैड लक बेटा। एंड यहाँ पे आई एम नॉट इवन ब्रिंगिंग रिलीजन हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, बिकॉज बहुत बार मैंने कुछ मुद्दों पे बोला है जहाँ पे द पर्सन हैज बीन फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, हियर आई एम टारगेटिंग पीपल फ्रॉम माय रिलीजन बिकॉज दे आर हियरिंग बैडली। यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? या या, गॉट इट। बैड इज बैड, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट रिलीजन, है ना मम्मा? सो डोंट मिसइंटरप्रेट। यस, डोंट मिसइंटरप्रेट। आई ओपनली वॉइस माई ओपिनियन अबाउट अ बैड प्रैक्टिस दैट हैज हैपेंड। आई डोंट शील्ड इट बिकॉज वो बंदा मेरे रिलीजन से है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। क्रिएटिंग सच डिफरेंसेस, वी डोंट डू दैट, बिकॉज मेरे पे आरोप लगता है कि कभी कोई दूसरे काम का होता है एंड आई से समथिंग, जैसे मेरा जेट एवेज वाला इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर इम्प्लॉयज वर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, एंड मैंने उस बात को बोला, बिकॉज दे वर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन लेफ्टिस्ट गैंग ने उस मुद्दे को उठा दिया, मगर मेरे मेरू कैब वाले इंसिडेंट को किसी ने उठाया नहीं। इनफैक्ट मेरा वीडियो वायरल ही नहीं किया। अब ये इंसिडेंट जो मैं शेयर करूंगी इसको भी वायरल नहीं किया जाएगा, क्यों? बिकॉज जो अक्यूज्ड है, जो पर्सन है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो मेरे रिलीजन से है, सो दैट इज नॉट ऑब्वियसली केटरिंग टू द गॉसिप मॉन्गर्स एंड द कम्यूनल हेटर्स। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पायल रोहतगी हर मुद्दे पे बोलती है जो मुद्दा गलत होता है, और जो मुद्दा उसे लगता है उसे बोलना चाहिए, उस पर एड्रेस करना चाहिए। आई होप यू गॉट इट। सो टुडे माय मदर इज गोइंग टू हॉग दिस एंटायर पिज़्ज़ा, दैट इज हर प्लान। मम्मा कितना केजी पुट ऑन किया है बॉम्बे ट्रिप पे? 2 केजी? नहीं, 1.5। नो नो बिना, कम ऑन लेट्स ईट। दिस सो मच ऑफ चीज़।
You have so much of cheese. Yeah, then I have to go on a diet. What diet? After going there. What diet, Nina? No, Nina, no. Yes, Nina, how are you feeling? Fine. How did the cheese react to the brain chemicals? It rolled inside. It rolled inside? So how many? Oh my god. Quite a lot, Mama. But three pieces? Oh my god. It rolled inside? Yeah. How nicely? So creamy. What? So creamy. What was creamy? The cheese, yaar. It was very creamy? Yeah. It just rolled inside? Yeah. What will happen to the weighing machine? I'll adjust about it. Now what are you doing? Just checking the other bottles. Why, Meena? Why? Just a poke here and there. Just a poke here and there. Mama, it's not opening. No, it'll open. How will it not open? Three pieces have gone in. Yeah. I am truthful. You can see the vanished amount. So, you can imagine, hum log kis prakar se apne aap ko khush rakhne ki koshish karte hain. Aur aise hi sabko apne aap ko khush rakhna chahiye. And you can see a very beautiful sunset. Recording you now because the photograph is black, but right now in the video you're looking white. Oh, black and how come? I don't know. Okay, it's okay. It's okay? Yeah, yeah. Perfect. Just click. I will edit it and make it proper. You'll edit it? You know how to edit it? My son will do it. Oh, your son will edit now? The pictures? Oh God! So, abhi hum yahan se jayenge thodi der mein. Okay, mama. Yes. Mask pehen liya na? Going to. Abhi hum santusht ho chuke hain. सैफरन बॉल को देख के. सैफरन बॉल क्या है? सनसेट. वो सैफरन बॉल है. आई कैन हैव अ पिक ऑफ इट. दैट्स द सैफरन बॉल. और हम जा रहे हैं. एंड दैट्स इट. बी नाइस, बी काइंड, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस. अपनी हैप्पीनेस का टूल किसी के हाथ में मत दीजिए. टूल किट को ज़रूर समझने का प्रयास करिए, मगर अपनी हैप्पीनेस का टूल किसी के हाथ में मत दीजिए. आई होप समझदार को इशारा काफ़ी है.